हेलो साथियों मैं सत्यन सिंह आज दोस्तों हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो आप लोगों का फरवरी में पेपर है फिजिक्स का तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन क्लास देखेंगे स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ में जो पी है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग एकदम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इनको देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में जैसा कि पहला जो चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में वैद्युत आवेश से जितने भी अब तक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले ले रहे हैं अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप भरोसा मानिए कि आवेश से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं चार्ज के बारे में जो पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है चार्ज चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे आवेश कहेंगे कभी कभी आवेश की परिभाषा एक नंबर में पूछ लेता है अगर हम आवेश की बात करें तो आप जानते हैं आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है तो हम यहाँ लिखेंगे आवेश आवेश किसी वस्तु का किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है ऐसा गुण होता है जो उसमें जो उसमें वैद्युत एवं वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है ठीक है प्रभाव उत्पन्न करता है तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है एक ऐसा गुण होता है जो उसमें वैद्युत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अगर दोस्तों आवेश की बात करें तो हम लोग लिखेंगे इसे किससे प्रदर्शित करते इस्लॉल क्यू से इसे इसमाल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं ठीक है दोस्तों अब अगर यही देखे तो आवेश का जो फार्मूला होता है वो क्यू बराबर क्या, e क्या होता है एन इन टू ई होता है ये आवेश का दोस्तों क्या होता है फार्मूला होता है अगर यहां से क्यू को देखे तो क्यू क्या है आवेश वैद्युत आवेश है एन क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या एन क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई e क्या है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश है इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो अगर दोस्तों आवेश के बारे में देखा जाए तो आवेश क्या होता है, Q बराबर क्या, होता है? N e. N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या e क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और क्यू क्या है आवेश ठीक है दोस्तों यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे आप टेंशन ना लीजिए अगर यहाँ पर हम दोस्तों बात करें तो ई e की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस एक दशमलव छः गुड़ते दस घात माइनस उन्नीस गुलाम होता है ये दोस्तों ई का मान हो गया ठीक है एक दशमलव छः गुड़ते दस घात कितना माइनस उन्नीस गुलाम अब दोस्तों अगर हम यहीं से बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों जो आवेश होता है वो होता है एक दशमलव छ गुड़ते दस घात माइनस उन्नीस गुलाम इस पर कैसा आवेश होता है दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर एक दशमलव छः गुड़ते दस घात माइनस उन्नीस गुलाम का ऋणात्मक आवेश होता है ठीक है ना अब बात आती है प्रोटॉन पर तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रोटॉन पर आवेश एक प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो एक प्रोटॉन पर दोस्तों आवेश की अगर बात करें तो एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें एक दशमलव छः गुड़ते दस घात माइनस उन्नीस गुलाम ये क्या हो गया प्रोटॉन पर आवेश प्रोटॉन पर दोस्तों हमेशा धनात्मक आवेश होता है कैसा आवेश होता है धनात्मक आवेश होता है ठीक है ना पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और दो के दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का क्या होता है दोस्तों आवेश उपस्थित होता है अब यहीं पर बात आती है कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें न्यूट्रॉन पर आवेश न्यूट्रॉन पर आवेश तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है शून्य होती है क्या होती है शून्य आवेश जब भी किसी वस्तु पर जीरो आवेश होता है तो उस को हम लोग कहते हैं उदासीन कहते हैं इसका मतलब न्यूट्रॉन दोस्तों क्या होता है उदासीन होता है या हम कह सकते हैं न्यूट्रल होता है उदासीन होता है या कह सकते हैं न्यूट्रल होता है तो ये दोस्तों किसके बारे में था चार्ज के बारे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा मतलब ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है ठीक है ना? अच्छा अब अगर कभी पूछ ले कि किसी वस्तु पर सबसे न्यूनतम आवेश कितना संभव है तो किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर वस्तु पर संभव संभव न्यूनतम 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 आवेश तो किसी वस्तु पर जो संभव न्यूनतम आवेश होता है वो दोस्तों कितना होता है न्यूनतम संभव जो दो आवेश होता है वो आपका ई होता है कितना होगा ई होगा और ई का मान एक दशमलव छह गुड़ते दस के घात माइनस उन्नीस गुलाम होता है तो दोस्तों किसी वस्तु पर जो सबसे छोटा आवेश हो सकता है सबसे न्यूनतम आवेश संभव है वो ई बराबर एक दशमलव छात माइनस उन्नीस गुलाम संभव है इससे छोटा आवेश दोस्तों किसी भी वस्तु पर नहीं संभव है जब भी आएगा इससे बड़ा ही आएगा या इतना ही आएगा ठीक है ना अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये तो इसका बात हो गया अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि एक गुलाम में आवेश ए, एक कुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दोस्तों अगर हम कहें में, में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दोस्तों अगर एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात किया जाए तो यह कितना होता है छः दशमलव दो पांच गुड़ते दस घात कितना अठारह इलेक्ट्रॉन तो जब भी किसी वस्तु पर अगर एक कुलाम आवेश आता है तो उस पर हमेशा इतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका पूछा गया है ठीक है दोस्तों तो यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ से बराबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अब यहीं पर एक बात वैसे पूछा तो नहीं गया है लेकिन आप ध्यान में रखिए कि अल्फा कण पर आवेश अल्फा कण पर आवेश तो अगर दोस्तों अल्फा कण पर आवेश की बात करें तो दोस्तों अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो तीन दशमलव दो गुड़ते दस के घात माइनस उन्नीस कुलाम होता है ये अल्फा कण पर आवेश होता है ठीक है ना तो ये दोस्तों किसकी बात हुई ये चार्ज की बात हुई चार्ज से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे अगर हम दोस्तों बात करें कि चार्ज कितने प्रकार का होता है ठीक है ना चार्ज का मात्रक क्या होता है तो ये सब भी पूछा गया है तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर चार्ज के यूनिट के बात करें तो आवेश का मात्रक अगर दोस्त आवेश का मात्रक है आवेश का मात्रक तो दोस्तों आवेश का हमेशा दो मात्रक आप याद रखिएगा दो में ही आपका काम हो जाएगा पहला नंबर हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक ऐसाई मात्रक आवेश का जो ऐसाई मात्रक होता है वो दोस्तों होता है कुलाम। वो क्या होता है कुलाम होता है तो आवेश का ऐसाई मात्रक दोस्तों कुलाम होता है इसे कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना और अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें कि इसका सी जी एस मात्रक क्या होता है इसका सी जी एस मात्रक क्या होता है तो दोस्तों इसका जो सी जी एस मात्रक होता है वो होता है स्टेट ग़ुलाम क्या होता है स्टेट गुलाम होता है ठीक है ना स्टेट कुलम होता है या इसी को हम लोग स्थैतिक स्थितिकलाम भी बोलते हैं स्टेट गुलाम अब बात आता है कि एक कुल और एक स्टेट uh, कलाम में क्या रिलेशन होता है तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं एक कुल बराबर तीन गुड़ते एक गुलाम बराबर तीन गुड़ते दस के घात नौ तीन गुड़ते दस के घात नौ स्टेट कुलम होता है स्टेट कुलम होता है तो ये दोस्तों क्या हो गया एक गुलाम और एक स्टेट कुलाम में क्या हो गया रिलेशन हो गया तो ये चीज आप याद रखिएगा आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ईसाई पद्धत में या हम दोस्तों एम के एस में कह सकते हैं ये कुलाम होता है और अगर हम कहें सी जी एस पद्धत में क्या होता है स्टेट कुलाम होता है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि आवेश का जो विमी सूत्र होता है तो विमी सूत्र अगर दोस्तों विमी सूत्र की बात करें तो आवेश का विमी सूत्र 80 होता है एटी होता है ये याद रखिएगा ठीक है ना इसका विमी सूत्र कितना होता है दोस्तों 80 होता है अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आवेश है आवेश का प्रकार क्या हो सकता है अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें कि आवेश कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों यहां से आपके सारे क्वेश्चन में कलेक्ट करके सारे अनसाल पेपर से सारे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके तब यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपको एक परसेंट भी कहीं दिक्कत नहीं हो सकती है ठीक है ना तो अगर हम यहाँ पे बात करें आवेश के प्रकार तो दोस्तों अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें आवेश के प्रकार तो आप जानते हैं दोस्तों आवेश दो प्रकार का होता है एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है दोस्तों ऋणात्मक आवेश एक क्या होता है धनात्मक आवेश होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और दूसरा क्या होता है ऋणात्मक आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे निगेटिव चार्ज कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों निगेटिव चार्ज कहेंगे अब आवेश दो प्रकार का होता है आवेश के प्रकार ये दो प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है किसने बताया था दोस्तों एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले क्या किया था आवेश के बारे में बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं इन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ठीक है दोस्तों तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले क्या किया था आवेश दो प्रकार का होता है इन्होंने बताया था अब बात आती है दोस्तों जैसे धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश किसी वस्तु पर कब आता है जब दोस्तों वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे त्याग कर दे त्याग करने का मतलब क्या कर दे कि वो अपने पास का जो इलेक्ट्रॉन है किसी और को अगर दे देता है तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा धनात्मक आवेश आ जाएगा अगर कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करता है त्याग करता है तो उस पर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या हो जाएगी कमी तो जब भी सवाल में अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी दोस्तों आप याद रखिएगा उस पर केवल, केवल और केवल क्या है धनात्मक आवेश एक चीज़ और आप यहाँ पे मैंशन कर लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन के हटने के कारण उस वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है और जो कि इलेक्ट्रॉन हटता है उसके ऊपर से तो यहाँ से क्या हो जाएगा उस पर आ, उसमें द्रव्यमान की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी तो जब भी किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आता है तो द्रव्यमान में क्या होती है द्रव्यमान में कमी होती है कमी होती है तो जब भी किसी वस्तु में धनात्मक आवेश आएगा तो उसका द्रव्यमान पहले की अपेक्षा दोस्तों क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है ना दोस्तों अच्छा अब बात करते हैं हम लोग ऋणात्मा आवेश तो ऋणात्मक आवेश जस्ट इसका अपोजिट अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्याग करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ग्रहण का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना तो कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यह क्या करेगा लेगा तो यह कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर कैसा आवेश आता है ऋणात्मक आवेश आता है अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की दोस्तों क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी क्या हो जाएगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ इसका मतलब कि पहले की अपेक्षा जो उसका द्रव्यमान है दोस्तों वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अब यहां से दोस्तों क्या होता है कि आपका एक बार क्वेश्चन किया गया था क्या क्वेश्चन था क्वेश्चन को समझिएगा एक गोला है दो के दोनों समान आकार का है ये गोला ए और ये बी इन दोनों को क्या किया गया आवेशित किया गया क्या किया गया चार्ज किया गया जब आवेशित किया जाता है तो इस पर ए पर प्लस क्यू आवेश आता है और बी पर माइनस क्यू आवेश आता है ए पर कैसा आवेश आएगा प्लस क्यू आवेश आता है और बी पर कैसा आवेश आता है दोस्तों माइनस क्यू आवेश आता है तो कहता है कि इन दोनों के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखो दोस्तों इस पर धन आवेश आएगा और इस पर क्या आएगा ऋण आवेश तो हम मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान होगा होगा वो क्या एम बी तो जिस पर धन आवेश आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है कम होता है और जिस पर ऋण आवेश आता है उसका द्रव्यमान क्या होता है अधिक होता है तो दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें तो एम ए क्या हो जाएगा लेस देन MB, इसका मतलब कि ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से क्या होगा कम तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण तो हम यहाँ लिखेंगे धन आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले का द्रव्यमान का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले से ऋण आवेशित ऋण आवेश गोले से गोले से कम होता है कम होता है ठीक है दोस्तों तो अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश आएगा तो उस पर आवेश उस पर क्या कहते हैं उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और जिस पर ऋण आवेश आएगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक हो जाएगा ठीक है ना तो ये दोस्तों किसके बारे में था आवेश के बारे में अब दोस्तों यहाँ से आवेश के अगर हम बात करें आवेश की बात करें तो आवेश की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल पूछा गया है अच्छा एक बात और आपके परीक्षा में पूछा गया है कि जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई बराबर एक दशमलव छः गुड़ते दस घात माइनस उन्नीस कुलाम होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान द्रव्यमान तो इसको हम एम मान लें तो नौ दशमलव एक गुड़ते दस घात माइनस इकतीस किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया मास और ये क्या हो गया चार्ज अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान द्रव्यमान को साहत बोलते हैं द्रव्यमान अगर इनका बात करें तो इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं ठीक है ना? अगर इनका अनुपात यहाँ पे निकाले इनका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात तो एक दशमलव छोड़ते दस घात माइनस उन्नीस और बटे इसका द्रव्यमान नौ दशमलव एक दस घात माइनस इकतीस किलोग्राम ठीक है दोस्तों अब दोस्तों अगर हम यही से क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा अगर दोस्तों इसी को आप सॉल्व करेंगे अगर इसी का आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये एक दशमलव सात सात आएगा एक दशमलव सात सात गुड़ते दस घात ग्यारह और ये क्या हो जाएगा कूलाम कूलाम प्रति किलोग्राम प्रति किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम तो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात होता है दोस्तों ये एक दशमलव सात सात गुड़ते दस घात ग्यारह होता है ठीक है ना गुलाम प्रति किलोग्राम और ये आपका पूछा गया है आपकी परीक्षा में पूछा गया है आप बस इसे लिखिए मत आप बस इस वीडियो को ऐसी ही आप क्या करिए आप देख लीजिए आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा सारी चीज़ों को आप आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का क्या था रेशियो था अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन किया गया है कि एक दशमल बारह दशमल पांच गुटे दस घात अठारह इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बारह दशमल पांच घात अठारह इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कीजिए आवेश की गणना कीजिए गणना कीजिए इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु है उस पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखें n बराबर तो 12.5 10 दोस्तों कितना 18 इलेक्ट्रॉन और इस पर अगर हम दोस्तों बात करें किसका इलेक्ट्रॉन का तो 1.6 10 -19 कूलम तो आवेश की बात कर क्या n q होगा सॉरी क्यू बराबर ए इनटू ई होगा एन का मान दोस्तों 12 दशमल पांच गुणते 10 घात दोस्तों कितना 18 और इसका मान एक दशमल छः गुणते 10 घात दोस्तों कितना माइनस 19 अगर दोस्तों यहां से हम दशमलव हटा दें ये दशमलव हटा देते तो यहां नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 19 में 18 घंटे का 10 घात कितना -1 और 16 से हटा दे दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अगर दोस्तों यहां देखें तो 125 बटे 10 धम्मा 100 हो जाएगा और ये 16 ये घात नीचे आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 10 आएगा अगर हम काटें तो 25 पंजे 125 25 चौका 100 चार एक कंचार चार, चार दोना दोस्तों कितना चार चौक सोलह ठीक है ना अगर यहाँ से काटे पाँच एक कम पाँच पान दुना दस और दो से इसे काट दे दोस्तों कितना आ जाएगा दो तो दो कुलाम आवेश होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर इतना इलेक्ट्रॉन क्या है आवेश है इतने इलेक्ट्रॉन है तो उस पर उस इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उस पर कितना आवेश आएगा दो गुलाम का आवेश आएगा ठीक है दोस्तों ठीक है ना तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है अब यहां पर अगर हम बात करें अगर दोस्तों हम यहां पर बात करें एक क्वेश्चन और यहां पर कहा गया तीन दशमलव दो कुम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें कि तीन दशमलव दो कुलाम आवेश तीन दशमलव दो कुलाम कुम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्मित होगा बनेगा इसका क्या मतलब है कि किसी वस्तु पर तीन दशमलव दो कुलम का आवेश अगर है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे सीधा इसका मतलब है तो दोस्तों अगर यहाँ से बात करें क्यू बराबर कितना तीन दशमलव दो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो n का मान तो n बराबर आप जानते हैं q अपान e होगा अगर यहाँ से देखें दोस्तों क्या हो जाएगा अगर n बराबर ले तो q अपान क्या हो जाएगा e हो जाएगा q का मान दोस्तों तीन दशमलव दो है e का मान एक दशमलव छः गुड़ते दस माइनस उन्नीस होता है अगर काट दें तो सोलह दो नौ बत्तीस से तीन भाग दें दो बार जाएगा तो यहाँ से दो गुड़ते ये 19 ऊपर गया 10 घात कितना -19 से तो ऊपर गया क्या हो जाएगा प्लस तो n बराबर इतने इलेक्ट्रॉन इसका मतलब इस पर इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उपस्थित होंगे ठीक है दोस्तों तो ये दोस्तों ओवरऑल किसके बारे में था ये आवेश के बारे में था और आवेश से इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ, कुछ भी नहीं पूछेगा तो दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इतना आपका आवेश यही पूछेगा इससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन कोई उठा ही नहीं सकता है अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आवेशन की विधि अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आवेशन की विधि आवेशन की विधि तो दोस्तों आप जानते हैं आवेशन की जो विधि होती है मेथड ऑफ चार्जिंग इसे हम लोग क्या कहेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग आवेशन की विधि मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन की विधि दोस्तों आप जानते हैं जो आवेशन की वो विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है पहला आपका घर्षण विधि होता है घर्षण विधि होता है घर्षण विधि को हम लोग क्या कहें? कहेंगे फ्रिक्शन मेथड कहेंगे फ्रिक्शन मेथड कहेंगे दूसरा आपका दोस्तों क्या होता है चालन विधि होता है चालन विधि होता है इसे हम हाँ लोग दोस्तों क्या कहेंगे कंडक्शन मेथड कहेंगे कंडक्शन मेथड कहेंगे ठीक है और तीसरा तीसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रेरण विधि क्या होगा प्रेरण विधि अब यहां पर इसे हम हाँ लोग इंडक्शन मेथड कहेंगे इंडक्शन मेथड कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों इंडक्शन मेथड कहेंगे एक एक करके समझते हैं घर्षण विधि क्या होता है दोस्तों अगर घर्षण विधि की बात करें तो हम क्या करते हैं दो वस्तु लेते हैं एक वस्तु ए लेते हैं एक वस्तु क्या लेते हैं बी लेते हैं इन दोनों वस्तुओं को दोस्तों आपस में क्या करते हैं रगड़ते हैं इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं रगड़ते हैं जैसे इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं इन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने के कारण इन पर कैसा आवेश इन पर क्या आ जाता है आवेश एक पर धन आवेश आ जाएगा रगड़ते हैं तो दोस्तों क्या होगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा आदान प्रदान होगा और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने के कारण एक वस्तु पर कैसा आवेश आ जाएगा धनात्मक आवेश आ जाएगा तो दूसरे वस्तु पर दोस्तों कैसा आवेश आ जाएगा ऋणात्मक आवेश आ जाएगा तो जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर दोस्तों धनात्मक आवेश आता है और एक पर ऋणात्मक आवेश ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं चालन विधि क्या होता है दोस्तों चालन विधि में एक चीज याद रखिएगा चालन विधि में हम एक ऐसा वस्तु लेते हैं ये वस्तु क्या होता है अन होता है अन अनआवेशित अन का मतलब कि इस पर आवेश नहीं होता है और एक हम ऐसी वस्तु लेते हैं जिस पर क्या होता है आवेश की मात्रा होता है ये आवेशित होता है एक अन आवेशित लेते हैं या एक आ आवेशित लेते हैं और एक हम लेते हैं आवेशित लेते हैं अब इसको क्या कर देते हैं संपर्क करा देते हैं तो जैसे संपर्क कराते हैं इस आवेशित इस वस्तु इस अन आवेशित वस्तु द्वारा इस पर आवेश जाना शुरू हो जाता है और एक समय आता है इस पर आवेश फैल जाता है तो ये वस्तु क्या हो जाती है चार्ज हो जाती है तो इसी विधि को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों चालन विधि कहेंगे इसी विधि को हम दोस्तों क्या बोलेंगे चालन विधि बोलेंगे ठीक है दोस्तों चालन विधि हम लोग कहेंगे ठीक है अब बात आती है दोस्तों प्रेरण विधि में प्रेरण विधि में हमने क्या लिया एक वस्तु लिया कोई भी वस्तु आप जानते हैं तो उसके पास क्या होता है जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही क्या होता है ऋणात्मक आवेश होता है अब इस वस्तु के पास हम क्या कर देंगे जैसे ही कोई चार्ज वाला कोई भी चार्ज धनात्मक या ऋणात्मक वाला चार्ज वाला कोई वस्तु लाएंगे तो ये प्लस क्या करेगा इसके माइनस को अपनी ओर खींचेगा और प्लस को क्या करेगा दूर भेजेगा तो इस वस्तु पर दोस्तों क्या हो जाएगा इधर माइनस आवेश आ जाएगा इधर प्लस आवेश आ जाएगा और ये आपका वस्तु है ठीक है अब हम इसका क्या कर देते हैं दोस्तों अर्थिंग कर देते हैं इसका पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं भूसंपर्क करते हैं या हम लोग इसे अर्थिंग कहते हैं जैसे दोस्तों अर्थिंग करेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये जो आवेश है धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बहुत भारी मात्रा में होता है तो यहाँ से धनात्मक यहाँ से ऋणात्मक आवेश यहाँ पर जाएगा और इसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज़ कर देगा जैसे ही इसे न्यूट्रलाइज करेगा दोस्तों अब इस पर कैसा आवेश रह जाएगा ऋण आवेश रह जाएगा और ऋण आवेश जब हम इसे हटा लेंगे यहाँ से ऋण आवेश रह जाएगा जब हम इसे हटा लेंगे यहाँ से तो अब ये दोनों समान आवेश है इन पर क्या है ऋणात्मक आवेश है और समान आवेश एक दूसरे को दोस्तों क्या करेंगे प्रतिकर्षित करते हैं तो ये तब तक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे जब तक ये एक दूसरे से समान दूरी पर उपस्थित नहीं हो जाते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वस्तु पर बिना एक दूसरे के संपर्क कराए क्या कर लिया इस पर एक आवेश ला लिया याद रखिएगा जो यहाँ पर धनात्मक आवेश आएगा तो इस पर क्या आएगा ऋणात्मक आवेश अगर आप यहाँ ऋणात्मक आवेश लाते हैं तो इस पर कैसा आवेश आएगा धनात्मक आवेश आएगा ठीक है दोस्तों तो ये था दोस्तों किसका मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन की विधि तो दोस्तों यहां से चार्ज और आवेशन की विधि से अगर देखा जाए तो इससे ज्यादा कोई भी चीजें नहीं आएंगी तो आप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें जो लोग इस बार यूपी बोर्ड का परीक्षा आप 2023 में देना देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होगा सारे क्वेश्चन इसी से आपके फंस जाएंगे इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है दोस्तों तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें